तो मैं आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा स्वागत करता हूं लाइव, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उन तमाम लोगों का दोस्तों मैं अभिनंदन करता हूं। साथ ही वेबेक्स पे जो हमारे प्यारे प्यारे ऑडियंस हैं, दर्शक हैं, जो देश से, मुंबई से और दूसरे कंट्री से भी जुड़े हुए, उन सभी का मैं महासेवा की तरफ से और MNS मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से दोस्तों स्वागत करता हूँ इन इस लाइन के साथ में। प्रसिद्ध शायर शकील आजमी की इस लाइन के साथ स्वागत करता हूँ। जो कोरोना का माहौल है उसको किस तरह से हम पॉजिटिव लेकर सोच सकते हैं, वो बड़ी जोशपूर्ण लाइन है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, तब होती है जब ठान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, और हम सभी लोगों ने ठाना है कि इस जो देश की हमारी कोरोना के माहौल में, कोरोना संकट काल के माहौल में आर्थिक व्यवस्था है उसको सुधारना है, साथ ही अवेयर करना, अलर्ट करना, एक फ्री नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों को दे रहे हैं दोस्तों। तो इसके साथ ही आज के इस वेबिनार की मैं शुरुआत करता हूं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय, इसकी एक-एक अपने अंदर से तकनीकी बताने के लिए हमारे साथ कीनोट स्पीकर मौजूद हैं, एडवोकेट मानसी पिंगले जी, अच्छी एडवोकेट हैं, साथ ही काफी इनके हाई कोर्ट्स वगैरह प्रैक्टिस करती हैं, और इसके इनको इनके बारे में ज्यादा डिटेल बताएंगे हमारे राजीव सक्सेना जी। लेकिन मैं उनका स्वागत करता हूं और स्वागत इन शब्दों में करता हूं। एक तो वो लेडीज हैं और लेडीज का बड़ा बोलबाला है, नारी शक्ति हमारे देश में या दुनिया में बड़ी अव्वल आ रही है, इसलिए नारी गौरव है, अभिमान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ये रचा विधान है। विधान तो सेक्शन बताएंगी जब भी पता चलेगा, नारी ने ये रचा विधान है, हमारा नतमस्तक इनको प्रणाम है, ऐसी नारी शक्ति को। और साथ ही मैं उनके लिए स्वागत में राजीव जी आपके लिए और हमारी मानसी मैडम के लिए ये एक लाइन है जोशपूर्ण कि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, और जो करते हैं मेहनत, और जो करते हैं मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते। तो आपने जो मेहनत की है अभी रंग लाएगी और तमाम लोग अवेयर होंगे, और उन लोगों की हाउसिंग सोसाइटी में उनके सपने और तमाम अच्छे से संचालित हाउसिंग सोसाइटी, ऐसे तमाम लोगों के सपने पूरे होंगे। आगे बढ़ते हुए मैं आगे की बागडोर हमारे जो मॉडरेटर है आज के उनको राजीव सक्सेना जी को देता हूँ। वेलकम एडवोकेट मानसी पिंगले हु इज द कीनोट स्पीकर टुडे. आई आल्सो वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट आर रेगुलर पार्टिसिपेंट्स आर पीपल फ्रॉम अब्रॉड. नवनीत जी, ये जो हमारा आज का पॉइंट है रिकवरी ऑफ ड्यूज, हमारे सोसाइटीज में, हमारे बायलॉज में सब दिए हुए, हमें कौन कौन से एरिया में किस किस हमें हेड के अंदर हमको वेरियस मेंटेंस कलेक्ट करना है और कैसे कलेक्ट करना है, उसका इंटरेस्ट क्या करना है. बट स्पाइट ऑफ ऑल दी ट्रांसपेरेंसी, ऑल दी रूल्स रेगुलेशन, आप स्टिल यू फाइंड देयर सम पीपल फॉर सम अदर रीजन देयर इज एन इशू ऑन दी कैलकुलेशन पार्ट ऑफ इट, ऑन दी सम पॉइंट एंड दे से वी डोंट वांट टू पे. सम पीपल मे हैव अ जेन्युइन प्रॉब्लम अबाउट देयर फाइनेंशियल स्टेटस, बट देर आर लॉट ऑफ पीपल व्हेन सी सी ऑन सर्टेन स्मॉल पॉइंट कि भाई इंटरेस्ट बराबर से कैलकुलेट नहीं किया है आपने, ये बराबर से लगाया नहीं है, लॉट ऑफ दोज पॉइंट लेके दे स्टार्ट पुटिंग अ डिस्प्यूट एंड दे डोंट पे द मेंटेनेंस एंड द मेंटेनेंस गोज इन टू लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज. एंड सोसाइटी हैज़ टू रियली टेक केयर अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी एंड दे स्ट्रगल शॉर्ट ऑफ फंड. तो ये एक ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हमको दोनों जो अप्रोचेज है वो करते हैं. एक अप्रोच जो है हमारा फॉलोअप करना, मेंबर के साथ में उनसे बात करना, उनके अगर कुछ डिस्प्यूट्स है उनको हम उनका निराकरण करें और उसके साथ में इंश्योर करें कि जो हमारा जो ड्यूज है सोसाइटी का वो हमको मिले. लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि हमारे सारे प्रयास के बाद में भी हमको हमारा जो मेंटेनेंस है, जो ड्यूज है सोसाइटी का, वो उनको टाइम पे नहीं मिलता है और वो ड्यूज बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग होता चला जाता है. ऐसे ऐसे केस में हमारे पास में, हमारे बायलॉज में, MCS एक्ट में प्रोविजन दिया हुआ है कि उनको हम कैसे रिकवर कर सके. वो रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे सभी कमेटी मेंबर्स को और जो हमारे ऑफिस बेरियन को ध्यान रखने के लिए कि देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जरूरी है कि हम हमारे प्रोसेस में रखें जिससे कि हमारा जो प्रोसेस है वो स्मूथली चले, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है जब हम उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं. तो वो सारे पॉइंट्स क्या है, वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स क्या है, जैसे हमको कहाँ पे एटीपी में अप्रूवल करना है, AGM में अप्रूवल लेना है, कौन साइन करेगा, साइन नहीं करेगा,
जो हमारे हम उन लोगों को फाइनल लेटर्स भेजते हैं उसके अंदर क्या कंपोनेंट होने चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमको मालूम होने चाहिए और उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेके आई वुड रिक्वेस्ट एडवोकेट मानसी पिंगले टू कम फॉरवर्ड एंड इनके बारे में मैं खाली कहूँगा, बहुत सारा है बोलने के लिए, लेकिन शी इज़ एन एमिनेंट स्पीकर, एमिनेंट कंसल्टेंट एंड सॉलिसिटर। मानसी इज अ क्वालिफाइड सॉलिसिटर एंड मेंबर ऑफ द बॉम्बे इनकॉर्पोरेशन लॉ सोसाइटी सिंस 2007। शी बिगन हर कैरियर इन 2002 एज ए आर्टिकुलेट क्लर्क अंडर राजेंद्र शाह, पार्टनर ऑफ मनसुख हीरालाल एंड कंपनी व्हाइल परसुइंग हर लॉ डिग्री। शी स्पेशलाइजेज इन एंड टू एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर इंडिविजुअल्स एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कॉर्पोरेट्स एंड स्टार्टअप्स। Professionally, she is a solicitor and consultant to many housing societies. And obviously, now today you will come to know about her, the knowledge about the subject when she will talk about the today's recovery of dues under old MCS Act, which is 101, I would say the before the amendment. And now post amendment, the same thing has been now brought under to 154B29. So let me welcome Advocate Mansi Pingle. And over to you, Mansi. Thank you so much for giving me this opportunity. First and foremost, I would like to thank CA Ramesh Prabhuji and Mr. Sunil Sharma ji. आपने मेरे बारे में बहुत अच्छा कहा, and नारी शक्ति के बारे में specially जो बोला वो बहुत बहुत ही अच्छा लगा मुझे. So thank you very much, Sunil ji. And Rajiv ji, thank you for giving me this opportunity. And you know, आपने प्रोत्साहित किया तभी मैं इधर you know I'm addressing all of you today. So this subject, if you see, it's quite you know, it is for all cooperative societies that we would have, it is very important because society jo hai wo members ke paise se hi chalti hai. We don't have a separate as such, you know, entity nahi hai jahan se the society can work. First and foremost, let us look at what I will be covering today. बिकॉज ये विषय जो ऐसा है कि जितना बोले उतना कम है एंड वी वुड हैव अ सर्टन फ्लो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड टेक चार्जेस लेविड बाय द सोसाइटी, देन वी वुड गो टू द नीड. क्यों जरूरी है ये ड्यूज रिकवरी करना सोसाइटी के लिए, क्यों जरूरी है? तो एरियर्स किसको कहते हैं ये भी हम देखेंगे. और पिछले साल 2019 में 9th मार्च को एक नया ऑर्डिनेंस आया था जिसने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के बारे में बहुत सारी जानकारी एंड यू नो व्हाट वाज द लैकुना वाज देयर इन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज, दैट वाज टेकन केयर अबाउट अ लिटिल बिट. देन वी वुड गो टू द एक्चुअल प्रोसीजर, क्या करना चाहिए रिकवरी के लिए, और उसके बाद रिकवरी सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको एग्जीक्यूशन कैसे करना है. बिकॉज लेके तो हमारे पास ऑन पेपर होगा, लेकिन एक्चुअली सोसाइटी को कैसे पैसे मिलेंगे, तो दैट इज वॉट वी विल लुक एट. तो जैसे मैंने पहले भी कहा, सोसाइटी जो है वो खुद से तो नहीं चलेंगी, आपके ऑल द मेंबर्स हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट एंड ओनली देन द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन डू एंड कैन वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर्स. सो देर आर बायलॉज गिव्स यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द चार्जेस दैट यू नो यू हैव टू लेवी ऑन ईच ऑफ द मेंबर इन योर सोसाइटी. तो वो जो चार्जेस हैं वो पर्टिकुलरली बायलॉज 65 टू 69, आई हैव जस्ट रिप्रोड्यूस्ड अ फ्यू बायलॉज हियर जस्ट सो दैट वी कैन यू नो एज वी गो ऑन वी कैन जस्ट हैव अ लुक एट ऑल ऑफ दीज. सो बेसिकली ऑल द सोसाइटीज इन ऑल ओवर महाराष्ट्र वुड बेसिकली हैव अ प्रॉपर्टी टैक्स. सो दिस वुड बी द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल द मेंबर्स वुड बी द चार्जेस वुड बी इन रिलेशन टू द फॉलोइंग विच सेज प्रॉपर्टी टैक्स एज यू कैन सी. The water charges, common electricity charges, जैसे आपके common areas हो गए, बाकी common utility के जो areas है उसके हो गए, वो सब इसके अंडर आएंगे. उसके बाद आपका major जो है charges में आपका repair and maintenance का होगा. That is a major fund which all societies collect and that is for the welfare and the maintenance of the buildings. फिर आता है आपका लिफ्ट मेंटेनेंस. फिर क्योंकि अभी तो मुंबई में देयर हार्डली बी वेरी फ्यू बिल्डिंग्स हु डोंट हैव लिफ्ट्स जो पुराने हैं एंड आई थिंक दे आर आल्सो गेटिंग इनटू रीडेवलपमेंट और मल्टी हाई राइज ही होते हैं. देन योर सिंकिंग फंड,
यू ऑल्सो हैव सर्विस चार्जेस. सर्विस चार्जेस काफी लंबी उसमें भी लिस्ट है विच आई विल शेयर विथ यू. कार पार्किंग चार्जेस, गाड़ी तो हर एक के पास है तो आपको कार पार्किंग का जो भी है खर्चा तो देना है. इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्टेड चार्जेस, वो भी बायलॉज में लेवी कैसे करना है वो भी दिया हुआ है. रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन, अगर सोसाइटी ने कुछ रीडेवलपमेंट के लिए कुछ लोन वगैरह लिया हुआ है या किसी और चीज के लिए आफ्टर द सोसाइटी हैज डिसाइडेड दैट दे हैव टेकन अ लोन, तो उसका इंटरेस्ट और लोन का रीपेमेंट का ये चार्ज भी हम इसमें लगा सकते हैं इन अंडर 65. नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे लोगों ने फ्लैट अपने रेंट पे दिए हुए हैं. सो नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस आर ऑल्सो टू बी लेविड अंडर दीज चार्जेस. आपके इंश्योरेंस के हुए, बिकॉज ऑल द बिल्डिंग्स हैव टू हैव अ फायर इंश्योरेंस, बाकी चीजों का इंश्योरेंस, सो दैट प्रीमियम विल ऑल्सो बी डिवाइडेड एंड विल बी लेविड ऑन ईच ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी. देन यू हैव लीज रेंट, नॉन एग्रीकल्चरल, एजुकेशन, इलेक्शन, एनी अदर चार्जेस. ये ब्रॉडली डिपेंड्स ऑन सोसाइटी टू सोसाइटी हाउ मच. ये एजुकेशन का फिलहाल तो उन्होंने बायलॉ में दिया हुआ है स्पेसिफिक 10 रुपीज पर मेंबर पर मंथ, दैट इज वॉट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द बायलॉज. दिस इज अबाउट द चार्जेस. सो स्पेसिफिकली सर्विस चार्जेस, आपके इसमें जो वॉचमैन है या आपके मालीज है, ऑफिस स्टाफ है, आपके सोसाइटी में मैनेजर होगा, बाकी हाउस कीपिंग का, ऑल दैट वुड बी टेकन अंडर सर्विस चार्जेस. सर्विस चार्जेस में आपका प्रिंटिंग का, स्टेशनरी, वॉट एवर इन योर कोऑपरेटिव, आई मीन ऑफिस में जो आपको लगे, आपके बिल्स प्रिंट करने के लिए आपको खर्चा आएगा, इंक्लूडिंग फिर आपका यू विल हैव अदर चार्जेस ऑल्सो विच विल बी यू नो, आपको कुछ मीटिंग लेनी है, आपकी ये करना है, तो उसमें भी वो आ सकता है. देन यू वुड हैव वॉट एवर आई मीन एक्सपेंसिज एट द मीटिंग्स ऑफ द जनरल बॉडी. आपका एजीएम में यू विल हैव एक्सपेंसिज विच विल बी इनकर्ड, और आप सो ऑल दीज विल कम अंडर सर्विस चार्जेस. एंड अदर देन दैट ऑल्सो एनी अदर थिंग दैट यू रिक्वायर, लाइक इफ योर सोसाइटी हैज अ क्लब हाउस फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें भी आप इसमें कर सकते हो कि दोज चार्जेस विल ऑल्सो बी डिवाइडेड इन द सोसाइटी. यू हैव अ स्विमिंग पूल फॉर एग्जाम्पल, सो मेंटेनेंस ऑफ दैट, अ क्लब हाउस और अ कॉफी हाउस और एनी अदर कॉमन एरियाज और विच आर यूज बाय ऑल द मेंबर्स, उसके आप सर्विस चार्जेस में उसको भी इंक्लूड कर सकते हो. बट दिस हैज टू बी पास्ड इन योर जनरल बॉडी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी शेयरिंग, सो हाउ डू यू एक्चुअली अराइव एट अ फिगर फॉर ईच मेंबर टू पे टू द सोसाइटी, तो उसका भी फॉर्मूला इज गिवन इन द बायलॉज. जैसे कि उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्सेस जो है, जो लोकल अथॉरिटी जो आपको चार्ज करती है वही आपको चार्ज करना है आपके मेंबर को. सो यू आर नॉट, इट इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑफेंस टू चार्ज मोर प्रॉपर्टी टैक्स एंड कीप इट विथ यू. इफ आपने मतलब गलती से भी ज्यादा लिया है तो यू हैव टू रिटर्न इट टू द मेंबर और एडजस्ट इट इन द नेक्स्ट बिल, दैट इज वेरी क्लियर. वाटर चार्जेस जो आपके पर मतलब इनलेट्स पे जनरली होता है, एज यू वुड हैव नंबर ऑफ इनलेट्स इन योर फ्लैट, उसके हिसाब से वाटर चार्जेस आर लेवीड ऑन ईच फ्लैट. ये एक्सपेंसिज ऑन रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सो दैट इज अ मिनिमम ऑफ 0.75 पर एनम ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट फॉर मीटिंग एक्सपेंसिज. नॉर्मल जो आपका रिपेयर में लगेगा, मेंटेनेंस, थोड़ा कहीं प्लास्टर निकल गया है, लीकेज हो रहा है उसमें लिफ्ट मतलब आपके टेरिस पे, मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स फ्रॉम लीकेज फ्रॉम द टेरेस, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटीज हैव फेस दैट इन अ प्लेस लाइक मुंबई, वो बारिश की वजह से तो होना ही है. तो फॉर दिस यू हैव टू हैव अ फंड विच इज देयर एंड विच शुड बी यू नो इट इज स्पेंड बाय ऑल द मेंबर्स. उसके बाद आपकी लिफ्ट आती है. सो नाउ लिफ्ट इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, लेट मी पुट इट, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ शॉप्स विच आर देयर विच से हम तो यूज नहीं करते लिफ्ट, तो हम क्यों पे करें. दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम विच इज फेस्ड बाय ऑल सोसाइटीज, स्पेशली ग्राउंड फ्लोर जिसपे कमर्शियल है उनको तो है ही, बाकी भी जो फर्स्ट सेकेंड फ्लोर पे रहते हैं वो भी क्लेम करते हैं कि हमने तो सब लिफ्ट हम तो यूज ही नहीं करते, तो वाई शुड वी पे. बट द बायलॉ स्पेसिफिकली हैज एड्रेस दिस एंड इट सेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर यू यूज द लिफ्ट और नॉट, ये आपको देना है मेंटेनेंस और ऑफ द लिफ्ट के लिए. तो दिस हैज बीन अ वेरी यू नो क्रूशियल पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड नॉन पेइंग ऑफ ड्यूज. ये बहुत आई हैव सीन दिस इन लॉट ऑफ सोसाइटीज अक्रॉस.
my you know wherever I have been. Phir sinking fund which is there, it is provided under bylaw 13C, which says 0.25 of minimum of 0.25% per annum of the construction cost. जो आपने repair और maintenance में ही जैसा है वैसा ही, but this is a little different in the sense that उसका the proportion is 0.25. फिर service charges, that is to be divided among number of flats. So it is not as per the area. There was a case in between which had come to me where they said कि नहीं ये आपका जितना एरिया है उसके हिसाब से होना चाहिए सर्विस चार्जेस एंड यू नो इट शुड बी लेवीड अकॉर्डिंग टू दैट. बट हियर योर बायलॉ इज वेरी क्लियर, इट सेज दैट इट हैज टू बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्लैट्स इन द सोसाइटी. सो दिट्स अ ब्लैंकेट. पार्किंग चार्जेस, नाउ पार्किंग चार्जेस इट इज फॉर फोर व्हीलर्स एज वेल एज टू व्हीलर्स बिकॉज इट्स अ कॉमन एरिया विच इज यूज बाय ऑल द मेंबर्स इन द सोसाइटी फॉर द मेंटेनेंस एंड ऑल. दिस हैज बीन पुट इन. And this can be decided in the general body as per their whatever is passed by the general body. So, uske hisab se the charges are levied. Now, interest on delayed payment. Ye jo hai na, I think jo bylaw 72 it says that it is at the maximum of 21%. So that is the maximum which is given. But cooperative societies in the general body can decide on a lower rate of interest for the delayed payment. Then the rest, I think repayment of I've already spoken about that. Non-occupancy charges has already been discussed, and then you would have lease rent, insurance charges, as we already discussed, the premium. So here it says especially for commercial purposes, if you have any, you know, extra premium jisko lage ya fir kuch something which is harmful to the society. So that extra premium jo aaye, so that person or that member has to bear that in proportion to the built up areas of these flats. So that is very important ki agar aapke commercial gale ya shops niche hain, so you can levy a little higher premium, but again this has to be passed in your general body. Education, as we already spoke, 10 per flat per year. Ek do jo isme charges hai, they are generally not applied in Mumbai. ये नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स वगैरह इफ यू सीन दैट इट डजंट गेट अप्लाइड सो मच. एनी अदर चार्जेस ये छोड़ के भी इवन आई थिंक इन द न्यू ऑर्डिनेंस विच हैज कम यू कैन ऑल्सो हैव अदर फंड्स विच द सोसाइटी फील्स दैट इट इज रिक्वायर्ड दैट दे नीड टू कलेक्ट एंड इट कैन बी डिसाइडेड इन द जनरल बॉडी द अमाउंट एंड द पेमेंट टर्म्स ऑफ दैट. सो इट कैन बी अ मंथली पेमेंट, इट कैन बी अ क्वार्टरली पेमेंट, सो दैट कैन बी डन. देन यू वुड हैव द we have to, you know, 67B as it says. So every flat, they have, according to the charges which are there, every flat will be levied a certain maintenance, you know, every month, and you would get a bill accordingly. So this bylaw speaks about that the committee will fix up, and in respect of every flat, the society charges will be fixed. Now this 68 is very important because as you can see, it's a long list, but this is what has been needs to be carried out by the society. So this has to be carried out of your repairs and maintenance fund. Your you also have a major repair fund, and you also have a sinking fund. So depending and as per the resolutions passed in your general body, it can be used. This fund can be used for all these things. It's a very long list, and I'm sure you can go through in the bylaw itself, and I don't want to, you know, just go through that. But overall, let's, you know, if broadly speaking, whatever is outside the flat and is commonly used by all the members of the society comes under the purview of the society. So there was also an issue about the terrace. So terrace, if it's a common amenity and it is used by all the members of the society will repair. But if it is attached to any flat and it is exclusively used by the member, then that member has to bear the repairs of that terrace. And anything which is the next thing says that only, that anything which is inside your flat, internal leakage, that should be borne by the concerned flat holders. But intimation should be given to the society that they are repairing that. Generally, aajkal ka trend aisa hai ki bathroom leakages and all are very common in because kafi log ghar ke unke interiors change karte hain. और उसमें बाद में लीकेजेस का बहुत इशू आ जाता है.
So in that sense, generally what the thumb rule, as we say, is that जो ऊपर मतलब जिसका बाथरूम है और नीचे वाले आधा आधा कॉस्ट बेयर करते हैं उसका, दैट इज द जनरल थंब रूल विच वी फॉलो एंड वी सजेस्ट दैट ओनली इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू ऑल द हैसल्स ऑफ. नाउ द सोसाइटी, द सेक्रेटरी इज गिवन द चार्ज ऑफ प्रिपेयरिंग ऑल द बिल्स एंड डिमांड नोटिसेस इन टर्म्स ऑफ ऑल द चार्जेस विच आर देयर एंड दे हैव टू फिक्स अप अ डेट फॉर पेमेंट. सो दैट पेमेंट डेट हैज टू बी ड्यू डेट होना आपके मेंटेनेंस बिल पे बहुत जरूरी है. So every society should take care that they have a proper maintenance bill which is issued. It may be in an online format. Now there are Rajiv ji bhi unke my society club bhi wahi matlab they give the bills online to their members. And I would say ki usme jo hai wo it should specify the amount exactly and the time period by when they need to pay. So that's a very important thing. You can't say that you didn't know कि आपका maintenance due था, because every month at a certain day वो होना ही है. Why the need for recovery? क्यों जरूरी है? Most of the housing societies don't have any other additional funds. आजकल थोड़ा वो towers की वजह से mobile towers, then you have other sources of income like billboards लगाते हैं कोई advertisement का रहता है. That is a source of income. Other than that, the cooperative society always depends on its members. As I said, all the expenses have to be paid by these charges. So unless, if you want the society to operate in such a manner that it is to the welfare of the members, they have to pay your charges. And jaise unka matlab the outgoings increase, the society maintenance will also increase. What we have seen is generally the trend is in the new buildings, you don't have so much for the maintenance or repair fund. बट एज द बिल्डिंग ग्रोज ओल्डर वो थोड़ा फंड आपका बढ़ जाता है, आपका रिपेयर का थोड़ा बढ़ जाता है. इफ यू वॉन्ट अ गुड फर्म लाइक फॉर हाउस कीपिंग एंड ऑल यू विल नीड टू पे. कुछ फ्री नहीं आता और सोसाइटी के पास पॉकेट में से देने के लिए कोई पैसा नहीं रहता. बट दिस इज ऑल्सो आई मीन इंक्रीज इन मेंटेनेंस हैज ऑल्सो बीन इन अ पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट इन ऑल एजीएम्स आई वुड से. कि वो एक रुपया क्यों बढ़ाया या दो रुपया क्यों बढ़ाया, इस पे भी काफी लोगों की उसमें ये हो जाता है, मतभेद हो जाता है उसमें. बट सी सोसाइटी डजंट हैव एनी अल्टीरियर मोटिव और जो चलाते हैं सोसाइटी उनका भी कुछ अल्टीरियर मोटिव नहीं रहता. दे जस्ट वॉन्ट वॉट इज बेस्ट फॉर ऑल द मेंबर्स कंसर्न. सो आई वुड जस्ट से दैट इज द रीजन वाई जब बढ़ाते हैं तो आप भी सोच के यू नो यू शुड पास इट जनरली as per what the committee has suggested. So what are arrears? 70A speaks about arrears clearly. It says that if you don't pay by the due date that your bill is due, you have deemed to have committed default. Abhi default ka kaise hai ki I have seen instances where there are drop boxes for checks. लोग बैकडेट करके लगा देते हैं, उसमें चेक्स डाल देते हैं, एक तारीख के बाद डालेंगे, 30th का ड्यू डेट होगा पर वो डालेंगे एक तारीख को, पर लगाएंगे डेट 25 का और फिर झगड़ने आएंगे कि 25 का तो डेट है आपने ही डाला नहीं. सो व्हाट टू डू इन सच सिनेरियो? सो द बेस्ट थिंग इज एज वन सेक्रेटरी हैड सजेस्टेड टू मी दैट हम ना एक तारीख को हमारा बॉक्स ही निकाल देते हैं, तो दैट इज आई थिंक फिर वापस 5 तारीख को लगा देते. सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ दैट हैपनिंग कि 1 से 5 तक वो बॉक्स ही नहीं रहेगा तो जो भी बाद में डालेगा उसको तो पेनल्टी लगनी लगनी है. सो दैट इज द वे यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू यू नो गेट योर मेंबर्स टू पे ऑन टाइम. सो इन केस ऑफ डिफॉल्ट एज वी आर टॉकिंग अबाउट रिकवरी, सो 70B टॉक्स स्पेशली अबाउट दैट यू कैन इनिशिएट अ रिकवरी प्रोसीडिंग अंडर 91 or section 101. Now with the new ordinance, it is also 154B29. That is the section which you would be. So interest, as I mentioned earlier, simple interest calculate hona hai 21% ke hisab se. And it can be a much lower rate as the general body may decide. But jo decide hua usi ke rate ke hisab se, you will have to go ahead. So Rajiv ji, ye Narendra ji bar bar annotate करने का ये कर रहे हैं. So as I was saying, you need to have a simple interest. जो अभी काफी इसमें ना software we have in our systems, जो भी
bills are generated, they are generated in terms of some formula which is there. So you need to put in what has been approved in your AGM. 21% ये मैक्सिमम है. अगर आपके एजीएम ने डिसाइड किया है कि आप 10% 12% लेवी करोगे तो आपके आपके अकाउंट सॉफ्टवेयर में वो आना चाहिए. काफी बार ऐसे हो जाता है कि बाय डिफॉल्ट उसमें 21 होता है, आपके एजीएम ने कुछ और पास कर दिया है एंड यू नो देन दैट बिकम्स अ केस फॉर प्रॉब्लम हो जाता है उसमें. लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स अराइज बिकॉज ऑफ दैट. सो यू You know, it is very important to take care of those things. कि जो general body में pass हुआ, वही आपको rate of interest. And again, it is very important to note that anything has to be a simple interest. It cannot be a compound interest. So, for an example, if your maintenance is 100 rupees this month, and आपने decide कि आपके AGM ने decide किया है कि we will charge simple interest at 10%. तो आपका पेएबल जो इंटरेस्ट होगा दैट विल बी 10 rupees. सो वॉट एवर इज ड्यू विल बी 110. सो द नेक्स्ट मंथ यू हैव टू अगेन कैलकुलेट ऑन 100, नॉट ऑन 110. दैट इज वॉट वुड मीन बाय सिंपल इंटरेस्ट विच हैज टू बी कैलकुलेटेड. और ये कब से एप्लीकेबल होगा? फ्रॉम योर द डेट योर अमाउंट वॉज ड्यू. मतलब जो आपके मेंटेनेंस बिल में लिखा होगा कि ड्यू डेट ये है, तो वो डेट से ये कैलकुलेट होगा. सो नाउ द 2019 ऑर्डिनेंस हैज डिफाइंड दीज टर्म्स, द डिफॉल्टर एंड द ड्यूज, बोथ हैव बीन क्लियरली डिफाइंड. डिफॉल्टर मीन्स अ मेंबर और फ्लैट ओनर और ऑक्यूपायर. इसमें उन्होंने ऑक्यूपायर को भी इंक्लूड किया है, दैट ही वुड ऑल्सो बी अ डिफॉल्टर हु फेल्स टू पे द ड्यूज ऑफ द सोसाइटी विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ बिल और नोटिस और ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज लेटर. तो 3 महीने के बाद वो टर्म किया जाएगा एज डिफॉल्टर. और वो कौन हो सकता है? वो आपका फ्लैट ओनर हो सकता है, मेंबर हो सकता है या ऑक्यूपायर हो सकता है. ड्यूज, व्हाट वुड ड्यूज मीन? ड्यूज मीन्स द अमाउंट पेबल बाय अ मेंबर और फ्लैट ओनर टू द सोसाइटी एंड डिमांडेड. ये डिमांड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू हैव टू गिव इशू अ बिल. आई हैव हैड अ केस ऑफ अ सोसाइटी विच हैड नॉट रेज्ड एनी बिल और उनका ऐसे ही चलता था कि दे यूज़ नॉट रेज बिल्स. उनका क्वार्टरली क्वार्टरली पेमेंट सब करते थे एंड देन देर वॉज दिस वन पर्सन हु हैड कम न्यू इन द सोसाइटी एंड ही वाजंट अवेयर ऑफ इट. तो तभी प्रॉब्लम ये हो गया कि ही डिड नॉट पे बिकॉज ही वॉज नॉट अवेयर और उसको फिर इंटरेस्ट लेवी किया. सो देन इट वॉज अ थिंग ही वॉज सेइंग दैट आई हैड नो नॉलेज ऑफ इट. सो दैट डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट. That you have to have a demand or a bill which is raised and it should be communicated to the member. There is also an instant where unka ghar band hai, to wo bolte humko mila nahi. But that is not a criteria. You will still come be a termed as a defaulter. It is your duty to see that you collect the bills. It is not the duty of the society to wo aapko chase nahi karegi ki aap bill le lo. So procedure for notice. Now we will come to the actual. Notice to defaulter. I would like to say कि ये बहुत painful हो जाता है काफ़ी chairman और managing committee के लिए because यही लोग अपने दोस्त भी रहते हैं, अपने पड़ोसी रहते हैं, तो उनको ये notice issue करना ना बहुत तकलीफ देने वाली चीज़ हो जाती है. But looking at the society's needs and requirements, ये ज़रूरी है. So as I said in the ordinance which led to the addition of 154 A and B, ये काफी हद तक cooperative housing societies के साथ deal करता है. Recovery के लिए आपको general body में resolutions have to be clearly mentioned. आपका either SGM हो सकता है या AGM हो सकता है, but in the agenda it has to be mentioned that how you are going to deal with the recovery of dues. मीटिंग कॉल करने के लिए यू नो द रूल्स हैव टू बी फॉलोड. यू कैन पास अ रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन एडवोकेट इफ यू फील दैट इट इज रिक्वायर्ड. बट आप अगर मतलब एडवोकेट अपॉइंट करना जनरली इज बेटर एंड यू कैन इन योर एजीएम पास अ जनरल टर्म की दैट वी विल अपॉइंट एन एडवोकेट. यू डोंट नीड टू नेम द एडवोकेट इन द रेजोल्यूशन ऑफ द एजीएम. दैट कैन बी डन बाय द कमिटी लेटर. बट अपॉइंटमेंट करना ये आपको एजीएम में या जनरल बॉडी में पास करना जरूरी है. रिकवरी ऑफ ड्यूज के लिए आपको यू हैव टू से दैट
First of all, you have to mention what are your service charges. Those are very important. What you will levy on all the members of the society. Secondly, what interest you will levy on defaulted payments. उसके बाद अगर जो payment नहीं करे तो defaulters को हम notice देंगे या we will take action against them. This resolution should be passed in your general body. As I said, the charges levied, everything has to be passed and it should be crisp and concise because you can't have कि हाँ कभी कभी ऐसे हो जाता है कि discussion होता है पर resolution pass नहीं होता. So very important is that the resolution should be passed. Discussion होगा but resolution नहीं होगा then we will not be able to go ahead with the recovery. So this point is very important that it should be mentioned clearly in your resolution. These are the charges, this is the interest, we are how you are going to proceed with the recovery and appointment of an advocate. That is what I would say. After that, it is the committee's responsibility basically to maintain a list of defaulters. Jaise aapka 3 mahina ho jata hai, so you would have to have a list of defaulters. And that issue should be taken in your MC meeting. In that resolution, it has to be very clear the name of your defaulter, the flat number and the amount jahan tak aapko ho sake. Or you can attach, you know, a statement ki we will go as per the statement of accounts of that person. Then ideally the MC should issue him a first notice. I'm going to share the formats of the notice also and we will go through that. Second notice and third notice generally should be given by a by an advocate because that needs to be your legal notice. Again, delivery becomes an issue. Kafi log reject kar dete hain. Hum nahi lenge. They will not give you an acknowledgement. All of that will happen. If that happens, the best thing is to send it by RPAD. And what is important is to maintain that jo aapne letter bheja hai, uske saath uska acknowledgement. Because for any proceedings before the registrar, these documents will be very important. तो इसको प्रिजर्व करना बहुत ही जरूरी हो जाता है. आफ्टर द थर्ड नोटिस जो लीगल नोटिस है आपको एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स करना जरूरी है. हियर द व्हाट यू नीड टू डू इज नॉट पुट लाइक द टोटल अमाउंट व्हिच इज ड्यू बाय द मेंबर. व्हाट यू नीड टू डू इज बाइफरकेट इट इनटू द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द इंटरेस्ट एंड दैट कैन बी टेकन मंथ वाइज ईयर वाइज बाइफरकेशन दिखा के. और यहाँ पे भी व्हेन एमसी इज डीलिंग सो एवरी मीटिंग एमसी शुड यू नो से दैट ओके द फर्स्ट नोटिस हैज बीन गिवन द सेकंड नोटिस हैज बीन गिवन थर्ड लीगल नोटिस दिया है उसके बाद ये आप एंड एवरी टाइम इट इज रिक्वायर्ड दैट वो मतलब द मेंबर शुड बी प्रॉपरली नेम्ड शॉप नंबर फ्लैट नंबर उनका होना चाहिए. ये चीजें बहुत जरूरी है इन योर रेजोल्यूशन. देन हु वुड साइन. So generally the chairman or the secretary is, it will be advised generally that either of them signs. So isme aapko, you have to make a resolution in favor of the chairman and secretary saying that these documents they will file in before the registrar, jahan pe sign karna hai, jahan pe submit karna hai, attend karna hai. So this authorization is very essential. Phir aapko agar if you have decided to appoint an advocate and you have you know spoken to that person, so you can add it in a resolution saying that this advocate ye naam hai, address unka dal sakte hain aap, and you have appointed for the recovery of dues of this such and such a person, because this is very important while filing your recovery suit. Thereafter you can 154B 29 ke hisab se aap registrar or deputy registrar as the case may be wahan pe aap ye file kar sakte. So this is the format for the first notice which I have said. So now if you see that what is important is the thing here, as per the records of the society, an amount of so and so is due and payable by you. As on, you have to be very specific ki ye tarikh tak hai, because aap agar matlab month end generally lete hain ki as on 31st or 30th of this, and the period is very important. So 7 days, as you may decide, it can be a 7 day, it can be a 15 day. Wo society to society, as an individual, as a different ye, you can decide on the dues. But you have to keep a track of when you have issued the first notice, so that after that you can issue the second notice. Uske pehle ye 7 din se pehle aap second notice nahi issue kar sakte, and that becomes very important. Then next is your second notice. So second notice mein aap you need to refer to your first notice
saying that this we have already given you the first notice of so and so amount or aapke, and one more thing that you need to be very clear is both isme aap flat numbers you have to mention the name of the member clearly and the flat or shop number. Agar there was a case where there were two flats in the name of the same person, नोटिस दी गई एक फ्लैट में जिसने उन्होंने पे किया था, तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आपको पैसा किसमें नहीं मिला. या फिर हस्बैंड वाइफ रहते हैं तो एक का मिल जाता है एक का पेंडिंग रहता है, तो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट वेयर टू हुम यू आर इशूइंग योर नोटिस. तो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. आप जब ही रजिस्ट्रार के पास ये फाइल करने जाओगे रिकवरी प्रोसीडिंग्स, देर आर सर्टन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच यू नीड टू कीप रेडी टू अवॉइड डिले, क्योंकि नहीं तो वो ऑब्जेक्शंस में आता है फिर आपको आगे पीछे करना पड़ता है. तो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप विद दैट. रेजोल्यूशंस पास बाय द जनरल बॉडी फॉर द मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन, ये जो वॉट वी डिस्कस्ड अर्लियर कि सर्विस चार्जेस जो है 65 to 68 में जो आते हैं सर पूरे, तो उसके हिसाब से आपने जो मेंटेनेंस बिल में जो आप लगाते हो, so that resolution वो काफी पुराना होगा because generally you would have it in your first or second meeting of the society or it may have changed later. तो जो भी latest होगा or the earliest or the latest if you have not changed it, you will need to have a resolution copy of that. तो जिसमें penal interest भी आपने बोला है कि this is I mean it's passed by the general body that basically your monthly contribution कितना maintenance हर flat पे लगेगा, उसके बाद अगर उन्होंने पे नहीं किया तो कितना पेनल इंटरेस्ट लगेगा. दोज टू थिंग्स दोज टू रेजोल्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, दैट रेजोल्यूशन विच वी सेड कि आपको अगर अपॉइंटमेंट का है रिकवरी ऑफ ड्यूज कैसे आपने करना है, सो ऑल दैट नीड्स टू बी वो रेजोल्यूशन भी आपको हैंडी रखना है. थर्ड थिंग अभी वॉट वी डिस्कस्ड, मैनेजिंग कमिटी में जो भी आपके पास हुए होंगे ऑल द रेजोल्यूशंस विच आर डन फॉर रिकवरी, फॉर फाइलिंग रिकवरी प्रोसीडिंग्स, अपॉइंटमेंट, उसके बाद ऑल व्हाट वी डिस्कस्ड थोड़ी देर पहले, उसके बाद जो अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट का है बिकॉज ही विल बी फाइलिंग दैट प्रोसीडिंग्स, सो ही नीड्स टू हैव एन अथॉरिटी फ्रॉम द सोसाइटी टू डू सो. तो उसमें आपका नाम क्लियर एडवोकेट का होना चाहिए. इफ यू हैव law firm which is representing you, please mention the name of the law firm clearly. Or if there are a group of advocates, do advocates hai to dono ka naam likhiye aur karke daliye usme, but be very specific about it. Then as we discussed the statement of accounts, this is very important because iske bina calculation mein error ho jata hai and your recovery certificate gets botched because of that. So I would say ki month wise jaise humne bola hai ki principal amount, unpaid amount और लीगल चार्जेस कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स. तो आपने जो सोसाइटी ने इनकर किया होगा वॉट एवर यू हैव इनकर्ड एज चार्जेस फॉर फाइलिंग ऑफ दीज प्रोसीडिंग, यू कैन पुट इट इन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स. अगेन देर हैज टू बी अ बाइफर्केशन ऑफ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट. देन यू नीड टू हैव कॉपीज ऑफ द नोटिस एज वी डिस्कस, द फर्स्ट नोटिस, सेकेंड नोटिस एंड द थर्ड नोटिस. Third notice is generally by a legal advisor. That is why I have not given a format because everyone has their own format. And I would say that legal यहाँ पे include नहीं कर सकते हैं. Legal notice जो member को दी गई है उसकी copy, उसके साथ भी acknowledgement की copy. Everything has to have a proper acknowledged document with it. और आपको जो भी appropriate court fees आपके रिकवरी के मतलब अमाउंट के हिसाब से वो कैलकुलेट की जाती है, सो दैट यू नीड टू पे टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी, तो उसका भी रिसीट आपको वो उसमें जोड़ना पड़ेगा. तो दीज आर द बेसिक ऑल द रेजोल्यूशंस एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू कीप रेडी टू गो अहेड विद रिकवरी सर्टिफिकेट. लेट्स लुक एट दैट. तो आफ्टर यू फाइल बिफोर द रजिस्ट्रार और द डिप्यूटी रजिस्ट्रार, द फर्स्ट थिंग ही विल डू इज इशू वो जो डिफॉल्टर को है वो एक नोटिस इशू करेंगे और उनको बोलेंगे कि आपका जो कहना है वो भी आप आइदर राइटिंग में दीजिए या ही विल फिक्स अप अ डेट फॉर हियरिंग एंड द पर्सन कैन कम एंड यू नो पुट फॉर्थ हिज केस आल्सो. देर हैज बीन अ इंसिडेंट आई विल शेयर विद यू वेयर द देर वाज अ शॉप इन वन ऑफ द सोसाइटीज
and it had been closed for nearly 2 to 3 years. Okay, in that case, then what the registrar had suggested at that time is that क्योंकि वो बार बार return आ रहा था notice उसका not delivered करती, so we were advised to give a paper notice. और paper notice के हिसाब से we were issued a recovery certificate. तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका service नहीं हुआ या member आपको पता नहीं कहाँ है तो recovery हो नहीं पाएगा. That can also be worked out कि कैसे उसको करना है. तो paper notice में दो leading newspapers में हमने we had given an advertisement and public notice and then we had proceeded with the recovery certificate. In case you are able to deliver and उनको notice दे सकते हैं तो date will be fixed up, both parties will be heard. If the registrar finds merit, जो भी उनको जैसे लगे, जो interest है, he will decide and as per that he will pass. He will issue a recovery certificate. अभी recovery certificate is considered to be on par with the land revenue. So land revenue is one of the major you can recover as basic dues. So it is very important कि recovery में आपको उसमें जल्दी हो जाता है, आपको recovery भी जल्दी हो जाती है. Housing Federation also has a number of empaneled recovery officers which execute the recovery certificates. So we can approach, the society can approach any of them and get them. So there is 107 of the Maharashtra Cooperative Society rules hai. It's a very long and a very detailed, I would say, rules on how to deal with the execution of this recovery certificate. I have not included this because it's a very long section, but those who are interested and want to, please do read up the rule 107 of the MCS rules. So जब ही recovery officer को आप ये देते हो कि हमारा this is execution के लिए, what he will first do is, first and foremost, he will issue a demand notice और लिखेंगे कि 7 दिन में he will ask the member to clear the dues. I will tell you my experience. Generally, यहाँ तक reach नहीं होता. आपको recovery certificate के बाद ये demand notice देने से भी पहले काफी लोग pay कर देते हैं. But काफी हद तक, as I said, वो जो बंद था flat और इस ऐसे situations में ये proceeding आगे बढ़ती है. But overall, if you see, तो generally people get scared कि बाबा attach हो जाएगा flat. तो they generally कुछ ना कुछ करके या you know they try to pay or कुछ ना कुछ दे विल सम पार्ट ऑफ इट एटलीस्ट कम्स इन आफ्टर इन केस इट्स नॉट पेड. सो आफ्टर 7 days आरओ विल अगेन इशू अ फर्दर नोटिस. उसके बाद ही विल प्रिपेयर अ डिमांड नोटिस फॉर टू द सेल ऑफिसर कि इनके मूवेबल एसेट्स. नाउ दीज आर ऑल टेक्निकल थिंग्स कि मूवेबल एसेट्स पहले बेचते हैं या ये है, बट इट technically if you see movable assets will not give you that much value because aajkal movable assets kya, what would be your tv or fridge or whatever, and that will aapko koi usme kafi paise ya aise mil nahi sakte, so it will basically be scrap rate is what you will get for that. Or so then what they say is dono simultaneously karte hain when they have attachment of property. So what they will generally do is attach the movables and the immobile property, prepare a panchnama and he will hand it over to the person ki ye aapka ghar mein hai and these are we are attaching. So after that then there will be an auction, they will set up a date for auction. So ek to notice before attachment hoga, uske baad actual notional hota hai attachment also. So you would have a symbolic possession which will be taken after notice before attachment, and there would be a paper notice for the auction. So generally auction se pehle ya aise aapke aa jate hain, you will get your dues. Then after that they will value your flat, wo present market rate ke hisab se valuation hota hai. He will as I said the sale officer will prepare an inventory of the movable property and hand over such list. ये इमोबल का भी होगा और मूवेबल का भी होगा. तो इफ द अमाउंट इज नॉट पेड ही विल सीज द प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाट आई सेड अबाउट नोशनल पोजेशन, वो लेंगे उस प्रॉपर्टी का. देन
generally it is a 15 day notice that all the sale officers will give. You can't have an auction before 15 days of the notice, and he will say that he will auction this. So it will also be about immovable as well as the movable. सेल प्रोसीड्स का जो पैसे आएंगे उसमें से द फर्स्ट चार्ज विल बी फॉर द सोसाइटी दैट इट विल गो. अगर उसमें कुछ बचा पैसा तो इट विल गो टू द डिफॉल्टर. दैट इज व्हाट आई हैव सेड. बैलेंस जो बचेगा पैसा वो डिफॉल्टर को चला जाएगा. सो व्हाई मेंबर्स शुड अवॉइड बीइंग डिफॉल्टर्स. सो प्राइमरली काफी अभी ये 154B डिस्क्वालिफाइज मेंबर्स फ्रॉम बीइंग appointed, nominated, elected or co-opted from becoming a member of the committee if you are in default. काफी societies बाकी है उनके जो है मतलब whatever they need और कुछ repair करना है या ये करना है तो वो भी ignore कर देते हैं. वो बोलते हैं कि जब तक आप पैसे नहीं भरोगे हम आपको कोई help नहीं करेंगे. So what we would suggest in such cases is that the members should actually, if they have a dispute with the amount that they need to pay, they should pay under duress. Aur unka agar unko prove karna hai to kar sakte hain, then take the money as a refund from the society if the society is liable to pay them. Other matlab it gets adjusted, but other than that if you don't pay you will still be considered a defaulter and all these sections will be applicable to you. So usme even if you are a member of the committee you can be removed from the post as far as 154B-23 speaks. So he can be disqualified. He cannot be appointed. 154B-23-2 also says that he will cease to be a member of the committee and his seat shall be deemed to be vacant. So unko hatane ka bhi provision hai. So managing committee, please be cautious that you need to get your you pay all your dues and be there on the committee.